अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, अभी मार्केट क्या चल रहा है निफ्टी का, 45,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, 48,800 में चलूँ, 800 पे आ जाऊँ, 800। अब यहाँ देखो 13 रुपये का चल रहा है, 6 रुपये का चल रहा है। हमें पता कैसे चलेगा मार्केट किस साइड क्लोजिंग हुआ ऑप्शन। चलो देखो अब यहाँ पे हम लोग ओ आर डेटा देखते हैं। ओ आर डेटा मुझे बताओ यहाँ पे 48,000 पे कितना है, 98 लाख के आसपास है और कॉल रेट भी ज़्यादा है। इसके नीचे देखो तो इधर क्या ज़्यादा है, 1 लाख के आसपास, लेकिन सेम पे कितना ज़्यादा है, इधर की तरफ ज़्यादा है, देख रहे हो आप, इधर कॉल रेट थोड़ा ज़्यादा है वो है और एक्सपायरी के आसपास है। उसके बाद अगर मार्केट जाता है तो इधर ज़्यादा है, इसके कंपेयर में देखो तो थोड़ा सा ये कम है, लेकिन इससे अगर ये टूटेगा तो ये खींच लेगा, ठीक है। अब इधर देखो तो थोड़ा कम होता चला है, लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वाई डेटा जिधर होगा ना उधर के साइड एक्सपायरी होगा। देखो अब यहाँ पे एक्सपायरी 48,800 था, तो मतलब क्या होगा, 48,000 तो था ही, चल ही रहा है 29, तो वाई जिधर होगा उधर की तरह हम लोग मार्क करेंगे कि वाई जिधर उधर जाएगा। तो अभी देखो अभी ये जो 16 रुपया है ना, अभी देखो 18,828 चल रहा है अभी, तो मेरा एक्सपेक्ट क्या है कि ये नाइन तक आएगा ये प्राइस, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, कॉल लेंगे यहाँ पे सबको, आपको ओआई भी देख लेना, आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, यहाँ देखो ओआई भी देख रहा है, चेंज इन ओआई, और ओआई भी देख लो यहाँ पे, चेंज इन ओआई देख लेना है, ओपन इंटरेस्ट भी देख लो यहाँ पे कितना कितना लाख्स में, ये लाख्स में है 40, देखो यहाँ पे 189 लाख्स है और यहाँ 15 लाख है, देखो यहाँ पर उसके ऊपर ज़्यादा क्या 1,15,000 और उसके नीचे देखो 22 लाख के आसपास है, ठीक है। ये एक्सपायरी के आसपास का मैं बता रहा हूँ, तो अभी के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट क्या हुआ, इधर 49,900 के आसपास शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, और देखो मार्केट में क्या है, सेंटीमेंट देख लो पहले, यहाँ पे सारा क्या पॉजिटिव है, निफ्टी को भी पॉजिटिव ही मानेंगे, अभी डाउन नहीं मानेंगे, अभी तो पॉजिटिव ही मानेंगे, तो कहीं ना कहीं